मसाइल में दो तरह के मसले हैं, जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता, और दूसरा मसला जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। ये मसला बहुत ज़रूरी है, हम लोगों को ये बातें मालूम होना किन किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है और किन किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। जब इस बात का इल्म होगा तो हमें भी इत्मीनान होगा, चलो हम जो रोज़ा रखे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल की रोशनी में भी हमारा रोज़ा हो गया, वसवसे से हम खाली रहेंगे। वरना एक बड़ा इश्काल होता है, इन सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, अल्लाह का कलाम तो कहता है कि नमाज़ें ये मुनकरात से रोकती हैं। अब एक बड़ा मजमा दुनिया में नमाज पढ़ रहा है लेकिन मुनकरात में मुब्तला है, नमाज पढ़ रहे हैं झूठ मकर फरेब दगा दीगर तमाम गुनाह की आदतें नहीं छूटी। अब सवाल पैदा हुआ, अरे भाई क़ुरान तो कहता है नमाज के ज़रिए से गुनाह छूट जाते हैं लेकिन यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं गुनाह नहीं छूटते, तो उसका जवाब क्या है? जवाब ये है, भाई नमाज जैसी पढ़नी चाहिए वैसे तुमने नहीं पढ़ी। अगर तुम्हारी नमाज जैसी पढ़नी चाहिए वैसी नमाज हो जाती, ज़रूर भी ज़रूर जो फ़ायदा मुरतब होना चाहिए वो फ़ायदा ज़रूर मुरतब होगा। अब करना क्या चाहिए? जैसी नमाज पढ़नी चाहिए वैसी नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हें गुनाहों से भी बचाएगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साथी अराबी नमाज पढ़ रहे थे, आपने तीन मर्तबा उनको वापस भेजा, नमाज पढ़कर आए, हुजूर के खिदमत में हाजिर हुए, सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया। आपने फरमाया फ़र्ज फसल्ली फ़इन्नक लम तुसल्ली, जाओ वापस नमाज़ पढ़ो, तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी। फिर आकर सलाम किया, कहा फ़र्ज फसल्ली फ़इन्नक लम तुसल्ली, फिर आकर सलाम किया फ़र्ज फसल्ली फ़इन्नक लम तुसल्ली। आपने बता दिया जैसी नमाज पढ़नी चाहिए वैसी नमाज तुमने नहीं पढ़ी, जब नहीं पढ़ी तो जो फ़ायदे नमाज के हैं वो कहाँ से मुरतब होंगे। तो इससे पता चला कि हम ही नमाज के सिलसिले में फ़िक्रमंद होकर नमाज को नमाज बनाएं ताकि वो नमाज के फ़वाइद हम ही नसीब हों। इसी तरह रोज़ा भी, रोज़े को अच्छी तरीके से अगर हम रोज़ा जिस तरह रखना चाहिए वैसा रखेंगे, इंशाल्लाह रोज़े के फ़वाइद भी ज़रूर मुरतब होंगे। तो पहला मसला है, अगर रोज़ेदार भूल कर कुछ खा लिया पी लिया या मुलाकात कर लिया, फरमाते हैं उसका रोज़ा नहीं टूटा नहीं गया। अगर भूल कर, देखिए यहाँ पर शर्त है भूल कर, हस्बे मामूल उठने के बाद पानी पीने की आदत थी, उठने के बाद कुछ खाने की आदत थी, उसी आदत के मुताबिक बेचारा उठा खाना खा लिया, उठा पानी पी लिया, उठा और जाकर उस बंदे ने जो अपने मामूलात हैं उस एतबार से खजूर बादाम वग़ैरह मुंह में डाल लिया और खा लिया, पेट भरकर खा लिया। बाद में पता चला ओहो भाई मेरा तो रोज़ा है, मैं तो रमज़ान में रोज़ा रखा हुआ हूँ, दिल और दिमाग में ख़्याल में बात रही ही नहीं। फिर वो जल्दी जल्दी परेशान होकर मुंह वग़ैरह कुल्ली कर लेता है और वो बाज आ जाता है। ऐसे मौके पर क्या रोज़ा टूटा? कहा रोज़ा नहीं टूटा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है,
रुफियान उम्मती अलख़ता वन्निस्यान। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर से अल्लाह ने भूल को और गलतियों को, यानी जो गलतियां अनजाने में हो जाती हैं, उन गलतियों को अल्लाह ने माफ़ कर दिया। रुफिया अन उम्मती अलख़ता वन्निस्यान, जो गलतियां भूल से हो जाती हैं वो गलतियों को अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया, मेरी उम्मत पर से उठा लिया। तो इससे यह बात मालूम हुई कि जो इंसान भूल से कोई गलती कर देता है तो वह गलती नहीं है, गलती से गलती हो गई यूँ कहा जाएगा। अरे भूल से भूल हो गया, गलती से गलती हो गई, ख़ता से ख़ता हो गया, ख़तअन ख़ता हो गया, ये कहा जाएगा। तो अब जो रोज़ा था आपका वैसा ही बाकी रहेगा, आपको इफ्तारी तक रोज़ा रख लेना होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछा, हुज़ूर इस बंदे का रोज़ा क्यों नहीं टूटा जबकि ये खा लिया पी लिया? आपने फरमाया, अतअमहु रब्बुहु, उसका परवरदिगार ने उसको खिलाया है, उसके परवरदिगार ने उसको पिलाया है, रज़ाक ने, रहीम ने, रहमान ने उसको खिला दिया पिला दिया। जब अल्लाह ने खिलाया अल्लाह ने पिलाया, भूल कर वो बंदा खा लिया, तो उसका कोई जुर्म नहीं होगा। तो इसी तरीक़े से यहाँ भी समझना चाहिए, जो गलती हो गई वो गलती को अल्लाह माफ़ कर देंगे। अगर भूल कर कई दफ़ा खा पी लिया तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। बाज़ लोगों को आदत होती है कि भूल कर खा लेते हैं पी लेते हैं, इससे उनका रोज़ा नहीं टूटेगा, इस बात का ख़्याल रखिए। अगर ज़रा भी याद आने के बाद मुंह में है सो लुक़मा निगल लेंगे, मुंह में है सो लुक़मा ज़ाय क्यों करना? अरबी बादम चबा चुका हूँ, बादम मुकम्मल तौर पर पीस चुका हूँ, बादम दूध बन चुका है, अब इसको निगल लेता हूँ, ख़्याल आने के बाद याद आने के बाद ज़रा भी निगला तो रोज़ा फासिद हो जाएगा, ज़रा भी निगला तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। क्यों? अब भूल ख़त्म हो गई, अब तक तो अल्लाह खिला रहा था, अब शैतान खिला रहा है, अब तक अल्लाह के तरफ से ताईद थी, अब शैतान की ताईद आ गई, अब शैतान यानी नफ्स, शैतान तो रमज़ान मुबारक में क़ैद खाने में चला गया। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हज़रत शैतान रमज़ान में क़ैद में रहता है फिर भी गुनाह हो जाते हैं क्या मतलब? गुनाह हो जाते हैं क्या मतलब? तो हज़रत ने फरमाया, देखो शैतान ने इतना चरखा घुमाया 11 महीने चरखा घूम घूम कर एक महीना छोड़ दिया तो एक महीना खुद ब खुद घूम रहा है, नफ्स उसका अमीर बन चुका है। जैसे साइकिल गोल पेडल फिराने के बाद अगर छोड़ देंगे, पेडल को रोक लेंगे, पीछे चरखा घूमता रहेगा, इसी तरह शैतान ने 11 महीना पेडल मारा छोड़ दिया, नफ्स अब उसको चला रहा है। शैतान तो कैद में चला गया लेकिन शैतान का अमीर, शैतान का मुरब्बी, शैतान का ज़िम्मेदार, शैतान का नुमाइंदा, शैतान को वरगलाने वाला यानी नफ्स, इन्ना नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, वो नफ्स अभी हमारे साथ ही मौजूद है, वो कैद खाने में नहीं गया, नफ्स नहीं गया, शैतान कैद में चला गया, लेकिन नफ्स तो हमारे साथ मौजूद है, नफ्स तो हमारे साथ मौजूद है, वो कहीं नहीं गया, वो हमारे साथ ही है।
इसीलिए क्या कहा, वमा उबर्रियु नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं मेरे नफ्स से बरी नहीं हुआ। मेरा नफ्स कैसा है, वो तो बुराई का हुक्म देने वाला है, नफ्स अम्मारा बुराई का हुक्म देने वाला है। इल्ला ये कि अल्लाह जिस पर रहम फरमा दे, मेरा रब यकीनन माफ़ करने वाला रहम करने वाला है। तो पता चला नफ्स तो इंसान के साथ मौजूद है और वो बुराई का हुक्म देता रहेगा, और वो क्या कहेगा, अरे पौ ना लुकमा चला गया, ये पौ लुकमा क्या है, इसे भी हल्लू निगल ले, कौन देख रही, कौन पूछ रही, कौन तेरा तेरे पीछे पड़ा हुआ है, कौन तुझे देख रहा है, निगल लो निगल लो निगल लो। आहिस्ता ये निगलेगा, रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखिए।